हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक यूपी बोर्ड से बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आई हुई, जैसा कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो खंड यानी जो 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी बनेगा तो क्या वो कॉपी में ही हमें आंसर लिखना होगा या OAM मार्कशीट पर हमें अलग से मिलेगा, उस पर हमें गोला भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि यूपी बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिया गया, इसमें बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जो है आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में आप सभी शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे को पता हो सके, और जो हमारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और दोस्तों, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना, दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, फटाफट जाकर के जुड़ जाइए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चले वो उसका लिंक वहाँ आपको मिलती रहे और बोर्ड एग्जाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आ रही वो भी आपको साथ में मिलती रहे, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो जैसे कि आप हमने हिंदी का मॉडल पेपर यानी यूपी बोर्ड द्वारा जो हिंदी का मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, तो यहाँ आप देख पाएंगे मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2022-23 कक्षा 10, विषय जो है आपका सामान्य हिंदी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है खंड आपका है, समय आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का, पूर्णांक आपका हिंदी का 70 अंक का रहेगा, 30 अंक आपका प्रयोगात्मक होता है जो कि आंतरिक मूल्यांकन जो कि आपके स्कूल से होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ निर्देश दिया गया, आइए उसको हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो निर्देश में यहाँ पर यह कहा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया, और जो आपके पेपर 2023 में बनेंगे उसमें दो खंडों का यहाँ कहा गया प्रश्न पत्र दो खंड यानी अ तथा ब में विभाजित होगा। और सबसे तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप सभी के लिए ये वीडियो बना हुआ है, ये आप पॉइंट देख सकते हैं, तीसरा कहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि आपको 20 बहुविकल्पी मिलेंगे इस बार, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला आपको करना है। अब इसको इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। अब आपको मिलेगा दोस्तों OMR सीट कैसे भरे, इसके लिए हमने एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, एक वीडियो हमने बना दिया है। इस वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन पर सबसे पहले ही आपको दिख जाएगा, उसको क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा कि उसको भरना कैसे और गोला कैसे भरा जाएगा, सब कुछ हमने उसको विस्तार में डिटेल में बताया हुआ है। या फिर दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पर भी आप देख पाएंगे, या फिर दोस्तों आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर हम एक बार फिर से उस वीडियो को हम शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर कहा गया है तो जैसे कि आपको बहुविकल्पी खंड अ में 20 क्वेश्चन मिलेंगे तो एक OMR शीट दिया जाएगा, उसको आपको भरना पड़ेगा, उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 खाने दिए रहेंगे और उसको जैसे ऐसे ऐसे गोला रहेगा उसके आप सामने, जो सही रहेगा उसको आपको ऐसे भर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करनी है, या तो आप नीले पेन से करेंगे या फिर आप काले पेन से करेंगे। अच्छा रहेगा दोस्तों कि उसको आप लोग काला पेन से भरिएगा, काला पेन से, और काला पेन कौन सा होना चाहिए, डॉट पेन होना चाहिए, ध्यान सुन लीजिए कि डॉट पेन से ही भरना है, जेल पेन से मत भरिएगा, नहीं तो आपका सभी क्वेश्चन जो है गलत माना जाएगा, यानी कि चेक नहीं होगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों यही बतानी थी, यानी कि अब आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका है कि 20 अंक के जो बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन मिलेंगे उसको आपको OMR सीट पर ही आपको भरना पड़ेगा, क्लियर है बात। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।